उदयपुर वाटी से 3 दिन पूर्व अगवा किया गया बच्चा आखिरकार रविवार को मिल गया। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल की कड़ी मेहनत और टीम ने काम करते हुए बच्चे को ढूंढ निकाला है। बच्चा सकुशल है और देर रात को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि बच्चे को सीकर क्षेत्र से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने भी बच्चे के सकुशल मिलने से राहत की सांस ली है। बच्चे के सकुशल मिलने से पूरे उदयपुर वाटी में खुशी की लहर है। सभी ने पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया और पुलिस की इस ऐतिहासिक सफलता पर बधाई भी दी। पुलिस ने बच्चे को अगवा करने वाले आरोपी को भी पकड़ लिया है। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर पता लगा रही है कि आखिर बच्चे का अपहरण क्यों किया गया। इसके अलावा भी जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है वो आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगा। करीब 4:30 बजे युवराज समर्थ किशोर है, ये करीब बच्चा 3.5 साल का है और या 7 बत्ती के पास रहने वाले हैं। रूटीन के अंदर बच्चा घर से कई बार पैसे लेकर के बाहर जो मोहल्ले में चौराहे पर जो दुकान है वहाँ टॉफी इत्यादि लेने चला जाता था। रोजमर्रा की तरह गया था, जब आधा एक घंटे तक वापस नहीं आया तो घर वालों ने ढूंढने का प्रयास किया। कुछ कमी ये रही कि साहब थाने पे करीब 8:15 बजे जब इतला मिली, थाने वालों ने तुरंत इसकी तलाश जारी करी। तब तक परिजन अपने स्तर पर इसकी तलाश करते रहे। जो भी शहर में पीए सिस्टम्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, मस्जिद पर भी जो स्पीकर्स हैं उससे इसकी तलाश के लिए बताया गया। सभी कस्बे वालों ने भी बहुत उसमें योगदान दिया। रात्रि में ही सभी अधिकारी इस चीज़ को लेकर के संवेदनशीलता को देखते हुए इसके अंदर काफ़ी तत्परता से लगे थे। डॉग स्क्वाड भी रात्रि में आया था, डॉग स्क्वाड से भी क्लू उसके बस स्टैंड पर आने का मिला था। उसके बाद चूंकि रात्रि ज़्यादा हो चुकी थी, दूसरे दिन कल सभी अलग अलग टीम्स ने अपना अलग अलग काम किया। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, जॉइंट टीम वर्क से इतना और सभी मीडिया और यहाँ के लोगों ने बहुत मदद की। स्केच बनाने के लिए जो टीम बुलवाई गई उनके साथ बैठ करके काफ़ी उसका स्केच बनाया। सीसीटीवी कैमरा खंगालने में सभी कस्बे वालों ने हमारी बहुत मदद की और लेकिन उसमें भी अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि सीसीटीवी के अंदर उसका फ्रंट कवरेज नहीं आ रहा था, तो उसका चेहरा किसी भी कैमरे में नहीं दिख पा रहा था। किंतु जो जो भी साक्ष्य मिलते गए उसके बाद आज सुबह एक बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन मिली जिसके अंदर इसका पिपराली की तरफ जाना तस्दीक हुआ। उस इन्फॉर्मेशन के बिना शायद आगे गाड़ी नहीं बढ़ती। पिपराली जाने के बाद भी पिपराली से फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए जो इसके क्लिप्स और फुटेज भेजे गए थे उससे कोई सीकर में इसकी प्रेजेंस देखी गई, लेकिन जब तक सीकर पहुंचे हम लोग और तब तक ये वहां से निकल चुका था। सीकर पुलिस ने हमें बहुत मदद की और सीकर विशेषकर दादिया SHO और उनकी टीम ने काफ़ी मदद की। और जैसा कहते हैं कि साहब एफर्ट अपनी जगह, दुआओं का असर अपनी जगह, हमें बहुत मुखबिर से वाइटल इन्फॉर्मेशन मिली इसकी प्रेजेंस के बारे में और उसके आधार पर करीब 6 बजे हमने इसको सलामत सुरक्षित मुलजिम के साथ में पकड़ा। और पूरी झुंझुनू पुलिस में हर अधिकारी ने, हर कर्मचारी ने, हर कांस्टेबल से लेकर के सभी ने बहुत मेहनत की है। पिछले 48 घंटे में वर्कआउट हुआ। सर ये कोई पुराना अपराधी